The coronavirus is spreading around the world, and some countries are taking drastic steps to try to stop its path. Governments across the world wrestling now with just how far they need to go to stop its spread. भारत में कोरोनावायरस के मामले 67,000 के पार. The World Health Organization has reported more than 160,000 cases of the novel coronavirus. The Italian government tonight put the entire country on lockdown. आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है. इंसानों के बीच में पहले दूरियां क्या इतनी कम थी कि इस कोरोना वायरस ने और बढ़ा दी. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे हैं. मेरी माँ इस वक्त राजस्थान के गांव में है और मेरे भैया दिल्ली में फंसे हुए हैं और मैं इधर यूरोप में अटका हुआ हूँ. पता नहीं कब हालात सुधरेंगे, कब मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा. इस दुख की घड़ी में अगर कोई मेरे साथ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी उम्मीद. कोविड-19 कोरोना हा एक जीवघेणा विषाणू आहे आणि हा जर मुद्दाम करण्यात आला असेल तर माझ्या डोक्यात पहिला विचार आला तो असा, राक्षसी वृत्तीने परत या पृथ्वी तलावर पाय रोवला. आपल्याला भीती तर नक्कीच वाटते, पण त्याचबरोबर आजकालची जी परिस्थिती आहे त्याची काळजी देखील वाटते. पुष्कळ जण घाबरलेले आहेत, हताश झालेले आहेत, निराश झालेले आहेत. जी लोक घरात आहेत त्यांना नक्कीच वाटतं की आपण सुरक्षित आहोत, आणि ती लोक खरोखरच गव्हर्नमेंटच्या आदेशाचं पूर्णपणे पालन करत आहेत. या अशा लोकांना खरोखरच सॅल्यूट. कोरोनाची जगभरची स्थिती फार भयावह आहे, खरं म्हणायचं तर अनाकल्ली आहे. पण आपल्याकडे टेस्टिंग अजून खूप वाढवायला पाहिजे, स्पेशली अमेरिकेच्या तुलनेत. तिथे 35-40 लाख लोकांचं टेस्टिंग झालं आहे. करोनाची भीती म्हणाल तर अशी आहे की पहिली गोष्ट म्हणजे तिथे जगभर कुठे लसच नाही मिळेल, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे डोळ्याला न दिसणारा हा सूक्ष्म जीवक्षणूची स्वतःचं स्वरूप बदलतोय, जीनम बदलतोय, त्याला म्युटेशन असं म्हणतात. तर अशा स्वरूप बदललेल्या करोनावरती पूर्वी शोधलेली लस कितपत काम करेल आणि काय फरक पडेल, आणि हा खरा प्रश्न आहे. संकट संपणार का? वी हॅव बीन कॉट पॅन्ट्स डाऊन. Corona has shown us that how naked we are, what beggars we are. We are not equipped to tackle the crisis. Everybody, from the first world nations to my own country also. When you say COVID-19, the first thing that comes to my mind is that none of us were prepared for it. None of us saw it coming. It's the biggest surprise of 2020, and not a good one. It's scarier because, you know, the way it spreads, the pace at which it spreads, and it affects everybody in the human race. We've almost lost a generation of people in Europe, and, you know, especially all our elders, and, you know, it's so hard to see them go like that. मैं दार्जिलिंग से हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में जॉब करता हूँ, किचन डिपार्टमेंट. इस लॉकडाउन के वजह से पिछले 2 महीने से मेरे पास नौकरी नहीं है. अभी नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो खाना नहीं है. इस बीमारी का इलाज तो हो सकता है, पर लेकिन भूख का कोई इलाज नहीं है. कोरोना से देश रुक सकता है मगर लाइफ नहीं. जरूरी चीजों के लिए हर रोज घर से निकलना पड़ता है. मैं अपनों से दूर USA में रहता हूँ. जब शाम को घर लौटता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि अपने साथ कोरोना तो नहीं ले आया. अलीकडे बऱ्याच पोलिसांना कोरोना झाल्याचे आढळले. आपण घरात सुरक्षित राहोत म्हणून आज पोलीसवाले बाहेर आहे. त्यांनाही घर आहे, त्यांनाही परिवार आहे. जर आपण असे रोजच बाहेर जात राहिलो तर त्यांचं काय? माय मदर इज 65 years old. शी इज अ डॉक्टर विथ अ हॉस्पिटल. And she goes for daily duty to save a lot of patients in these trying times. As a good citizen, it's great to have a doctor for a mother because she's doing a great job, a big duty. But as a daughter, it's very scary because, see, for patients, you have doctors to take care of. But what about doctors? Who takes care of them? मुझे ऐसा लगता है कि ये वायरस हमें कुछ सिखाने आया है. जैसे कि
हम जिस तरह से जी रहे थे, मेरे ख्याल से उसको बदलने का वक्त अब आ गया है। हमारी जीवन शैली को बदलने का समय अब ये है। वायरस हमको ये कह रहा है कि आप लोग इतने सालों से, इतने बरसों से कुदरत से बहुत दूर चले गए हो, और अगर और दूर चले गए तो एक दिन आप लोग तबाह हो जाएंगे। तो आप अभी आंखें खोलिए और कुदरत के नज़दीक आ जाइए। प्रेम से रहो, सद्भावना से रहो। ये नफरत का माहौल बंद करो। हाल ही में हमारे इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। अब हम कब होंगे, कैसे होंगे, किस तरह होंगे, ये हमें घर बैठे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। हाँ, अगर कुछ समझ में आ रहा तो सिर्फ एक चीज़ कि इस वक्त पूरी दुनिया एक इम्तिहान से गुजर रही है, और ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता इम्तिहान है जो हम सिर्फ घर बैठकर पास कर सकते हैं।